फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट विद आरिफ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक इजी गेम ऊनो फ्लिप कैसे खेल सकते हो। तो इसमें डबल साइडेड कार्ड्स होते हैं और आप जब चाहे तब उसको फ्लिप कर सकते हैं। अब ये बता रहे हैं कि अपने कैसे गेम को कैसे आप फ्लिप कर सकते हो, और यहाँ लिखा हुआ है अच्छे से कि यहाँ 102 कार्ड्स होते हैं दोनों डेक मिला के। तो लेट्स ओपन इट। तो हमने इसको खोल लिया। अब इसमें दो गड्डियाँ होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। अब हम लोग देखेंगे कार्ड्स को। तो फर्स्ट हम देखेंगे, ये देखिए, ये है डार्क साइड और ये है लाइट साइड। तो डार्क साइड की ये पहचान होती है कि उसके बाहर ब्लैक बाउंड्री होती है, और लाइट साइड की पहचान होती है कि उसमें वाइट बाउंड्री होती है। तो इस गेम में हमें क्या करना होता है कि हमें अपने कार्ड्स को ख़त्म करना पड़ता है, और इसमें कुछ पावर्स भी है जिससे हम दूसरे के कार्ड को बढ़ा सकें, जिससे वो ना जीत पाए और हम जीत जाएं। इसलिए इसमें स्पेशल कार्ड्स हैं। तो जब गेम एंड पे आ जाते हैं, मतलब आपके पास वन कार्ड बचता है, तो उसी वक्त आपको ऊनो फ्लिप कहना होता है। अगर आपने नहीं कहा और दूसरे वाले ने आपसे पहले कॉट कह दिया, मतलब कॉट मींस पकड़ लिया, तो फिर आपको दो और कार्ड डेक से मिलेंगे जिससे आप जीत नहीं पाओगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल कार्ड्स और उनके रूल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम लोग लाइट साइड से शुरू करेंगे। तो लाइट साइड में जो फर्स्ट स्पेशल कार्ड आता है उसको कहते हैं बैम। तो इस कार्ड को फेंकते ही आपके बाद वाले की चांस स्किप हो जाती है, जिससे वो चांस ना कर पाए और बाकी सब करें। तो ये हर कलर में होता है। चलो हम लोग अपने सेकंड स्पेशल कार्ड पे आते हैं। तो इसको कहते हैं प्लस वन। अब आप देखोगे ऊनो फ्लिप में एक तो वन होता है और एक तो प्लस वन होता है, तो आप मत समझिएगा ये एक है, क्योंकि ऐसे तो एडिशन में एक ही होते हैं। लेकिन प्लस वन जो लेटर वन होता है वो तो नॉर्मल फेंकने के लिए होता है, लेकिन प्लस वन फेंकते ही आपके दूसरे वाले को एक चांस, मतलब उसको एक कार्ड मिल जाएगा और उसकी चांस भी चली जाएगी। आपको एक बात बता दूं, ये जो स्पेशल कार्ड्स होते हैं, इन हर एक में आपकी चांस, दूसरे वाले की चांस चली जाती है, लेकिन बस फ्लिप कार्ड में ही चांस नहीं जाती है। तो अब हम लोग फ्लिप कार्ड के बारे में सीखेंगे। तो ये देखिए, ये है हमारा फ्लिप कार्ड। तो आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है। इस फ्लिप कार्ड को फेंकते ही, अगर आप लाइट साइड में हो तो आप डार्क साइड में पहुंच जाओगे, और अगर आप, और डार्क साइड का भी एक फ्लिप कार्ड होता है, उससे आप लाइट साइड में पहुंच जाओगे। अब आप देखिए, आप अभी यहाँ लाइट साइड में थे, अब ये जो ये कार्ड है फ्लिप कार्ड, ये क्या करता है, आपको लाइट साइड से डार्क साइड में ले आता है। और अब हम अपने नेक्स्ट कार्ड के लिए आते हैं, प्लस टू। तो ये देखिए, ये है प्लस टू वाइल्ड कार्ड। तो इसमें क्या होता है, तो इस कार्ड को आप फेंकते हो जब आपके पास कोई कार्ड, जैसे आपने बहुत सारे कलर्स लिए हुए हैं अपने कार्ड में, तो आप इस, अगर आपके पास जैसे ग्रीन कलर चल रहा है, मतलब इसमें ग्रीन कलर के ऊपर ग्रीन कलर आपको डालना होता है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ये डाल सकते हो, और आपके पास जो मैक्सिमम कलर है वो आप बताओगे, जिससे डेक से कहीं से भी ढूंढ के ऐसे दो, उस कलर के दो कार्ड मिलेंगे आप दूसरे वाले को, और उसकी चांस भी चली जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था स्पेशल कार्ड्स में चांस चली जाती है। तो आप कोई भी कलर नहीं बता सकते, बस इन फोर कलर्स में ही बता सकते, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। तो हम लोग अपने नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं, जिसका नाम है वाइल्ड कार्ड। इस कार्ड का नाम है वाइल्ड कार्ड। आप देखिए, ये क्या करता है, आप इन रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन में से, इनमें से कोई कलर चेंज कर सकते हो, इन्हीं में से और किसी कलर में से नहीं। जैसे कलर चल रहा है येलो, तो आप इसको फेंकोगे, आप कभी भी फेंक सकते हो, येलो कलर चल रहा है तो आप जो कलर बोलोगे उसमें वो ट्रांसलेट हो जाए, मतलब फिर उसके बाद, जैसे मैंने बोला ब्लू, तो उसके बाद येलो के बाद सब लोग ब्लू ब्लू चलना शुरू कर देंगे। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट कार्ड में आते हैं,
रिवर्स कार्ड में। जब आप इसको फेंकते हो तब आपके नेक्स्ट जैसे आपके आपके जो नेक्स्ट बैटर है उसकी चांस स्किप हो जाती है और उसके जो नेक्स्ट बैठा होता है उसकी चांस आ जाती है। ये एकदम बैन कार्ड जैसा ही है। अब मैं अभी हमारा लाइट साइड के स्पेशल कार्ड्स हमने समझ लिए, तो अब हम आएंगे अपने डार्क साइड के स्पेशल कार्ड्स में। इस कार्ड का नाम है 5+। ये क्या करता है, आपने ये कार्ड फेंका और आपके नेक्स्ट जो प्लेयर होगा उसे डेक से 5 कार्ड उठाने पड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अब हम लोग डार्क साइड पे, तो हमारा फर्स्ट कार्ड हो गया है। अब हम लोग अपने सेकंड कार्ड पे आते हैं। ये है हमारा डार्क साइड का दूसरा कार्ड। इसका नाम है री कार्ड। ये क्या करता है, सारे प्लेयर्स की चांस स्किप करके वापस आपकी आ जाती है इससे। हेलो, जैसे आपने देखा था कि लाइट साइड में भी एक फ्लिप कार्ड होता है, वैसे ही डार्क साइड में भी होता है। इससे आप डार्क साइड से लाइट साइड में पूरा गेम कन्वर्ट हो जाएगा। आपको अपने पत्ते उल्टे करने पड़ेंगे, इसलिए इसको फ्लिप कार्ड कहते हैं। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट कार्ड में आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखेंगे ये वाला कार्ड। इसका नाम है वाइल्ड कार्ड और ये डार्क साइड का सबसे खतरनाक कार्ड है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो फिर ये जो कार्ड है इसमें 4 कलर्स आपको दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये आप कभी भी चल सकते हो। तो जैसे ही आप ये कार्ड चलोगे तो जो आपका नेक्स्ट प्लेयर है उसको जो अभी आप कलर बोलोगे जैसे आपने बोला पिंक कलर, तो अब वो डेक से पिंक कलर तब तक निकालेगा जब तक पिंक कलर नहीं आता, और जो भी कार्ड्स एक्स्ट्रा बचेंगे वो उसके हो जाएंगे। तो इससे दूसरे प्लेयर को और ज़्यादा कार्ड्स मिलेंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इस कार्ड का नाम है री कार्ड। इस कार्ड का नाम है रिवर्स कार्ड। तो इससे क्या, इस कार्ड से क्या होता है, आपके नेक्स्ट वाले प्लेयर की चांस स्किप हो जाती है, उसके बाद वाले की आ जाती है। ये लाइट साइड में ऐसे ही, लाइट साइड में भी ऐसे ही कार्ड होता है। तो अब हमारे सारे स्पेशल कार्ड्स खत्म हो गए हैं। तो आपको मैंने बताया था जब भी आप स्पेशल कार्ड्स यूज करते हो नेक्स्ट वाले की तो चांस हटती है, लेकिन फ्लिप कार्ड में ही नहीं हटती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग खेलेंगे इस गेम को, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपके 56 कार्ड्स का एक डेक है, तो चलिए हम इसको खेलना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग सबको 7-7 पत्ते बांटेंगे, प्लेयर 1 को भी और प्लेयर 2 को भी। तो ये हमने 7-7 पत्ते सबको बांट दिए हैं। अब हम एक पत्ता डेक से निकाल के नीचे रखेंगे, फर्स्ट वाला ये कार्ड यहीं रख देंगे बस। अब प्लेयर 2 पहले चलेंगे। अब देखिए ग्रीन कलर है तो प्लेयर 2 एक चलेंगे। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल कार्ड यूज़ करिए। अब इसने क्या किया है, वाइल्ड कार्ड। तो अब ये बताएंगे कलर किस में चेंज होगा, रेड। तो अब इनने बोला है रेड, तो रेड में कलर चेंज। अब देखिए जैसे मेरे पास कलर रेड तो है नहीं, तो मैं ये डाल देता हूँ +2 वाइल्ड कार्ड। अब मैं बताऊंगा मेरे पास मैक्सिमम कौन सा है, ये तो 2-2 है, ग्रीन सबसे मैक्सिमम है तो कलर ग्रीन। अब प्लेयर 2 को यहाँ से ग्रीन तब 2 पत्ते निकालने होंगे, ये सब तो बस रखने का है। तो इस तरह से प्लेयर 2 की चांस भी चली गई, इससे उनकी चांस चली गई और हमने उनको पत्ते भी दे दिए। अब हमारी फिर से चांस है, तो कलर था ब्लू तो हम डालते हैं +1। तो इससे उनको एक पत्ता ऊपर से उठाना होगा और उनके फिर से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं, ब्लू कलर है तो फ्लिप कार्ड। अब फ्लिप से पूरा गेम उल्टा हो जाएगा। एक बात आप इस गेम में ध्यान रखिएगा कि इस गेम में आप खेलना कैसे है,
तो ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जब आप इस गेम को खेलते हो तो इस गेम में या तो आप कलर को फॉलो करो, जैसे ग्रीन पे ग्रीन डाल दो, और या तो आप उसके नंबर को फॉलो करो, जैसे 3 है, अब मेरे पास किसी और कलर का 3 है तो मैं डाल सकता हूँ, या तो मैं ग्रीन कलर को ग्रीन कलर डाल सकता हूँ, आप ब्लू कलर ग्रीन पे नहीं डाल सकते। अब हम लोग गेम फ्लिप हो गया है तो ये भी फ्लिप हो गया है, अब इसको भी हम फ्लिप कर देंगे। देखिए मैंने अब लाइट साइड का गेम है, डार्क साइड का गेम है, तो इसको लाइट साइड में रखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग डार्क साइड में रखेंगे तो ये तो पत्ते सबको दिख जाएंगे, इसलिए हम लोग ऐसे करें। अभी आप मैं ऐसे रख रहा हूँ, लेकिन ऐसे में आपको छुपा के रखने चाहिए। अब इनको भी फ्लिप कर देंगे, और जैसे आपके पास जैसे नंबर है तो नंबर आप सेम करके दूसरा भी चल सकते हो, लेकिन ये वाला है एरो तो आप एरो के ऊपर एरो भी चल सकते हो किसी भी कलर का। अब मेरे पास तो एरो है नहीं, तो मैं यही चल देता हूँ, ये पिंक कलर का। फिर से गेम फ्लिप हो गया, इसको भी उल्टा कर देंगे। अब देखिए इसकी चांस, अब ये देखिए या तो ये ब्लू चल देगा या तो ये फ्लिप काट दे, तो इनने इसके पास था तो इसने फ्लिप काट दिया। अब फिर से फ्लिप हो गया गेम, अब गेम फिर से उल्टा हो गया, अब मेरी चांस है। अब देखिए फ्लिप पे आप फ्लिप फिर से डाल सकते हैं, मैंने फिर से फ्लिप कर दिया, अब इसको फिर से उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे। अब देखिए मैं क्या करूंगा, तो अब मैं चलता हूँ ये बैन कार्ड, उसकी चांस बैन। ओ नो, मैं तो भूल गया था मैं ऊनो फ्लिप बोलना पड़ता है, वन कार्ड बचते ही उसने कार्ड बोल दिया, अब मुझे दो कार्ड मिलेंगे, मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो अब मेरी चांस तो गई, अब उसकी चांस। ओ इसने तो गलत किया है, इसने तो ग्रीन पे येलो डाल दिया, ये तो चीटिंग है। अब डाला ना फ्लिप, अब इसने देखिए बैन पे बैन भी डाल सकते हो या फ्लिप कार्ड भी डाल सकते हो। अब मेरे पास क्या है, वन प्लस, तो अब मेरी चांस तो गई क्योंकि बैन हो गया। अब अनुष की चांस, अब फ्लिप हो गया तो प्लेयर 2 ने फ्लिप कर दिया है, अब मेरी चांस है। अब देखिए डार्क साइड में भी कुछ अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं, इसको कहते हैं मैरून, इसको कहते हैं सी ब्लू। अब देखिए ये वाला कलर इसी मैच हो रहा है तो सी ब्लू इसके ऊपर डालेंगे। अब उस टीम की चांस है, अब इनके पास तो सी ब्लू है नहीं, तो ये देखेंगे इनके पास क्या नंबर 6 है, वो भी नहीं है, तो अब ये यहाँ से एक कार्ड उठाएंगे। अब मिल गया तो आप इसको फेंक दें। अब तो ये देखिए, अब मैं ये चल देता हूँ, और अब मैं भूला नहीं हूँ, मैं बोलूंगा ऊनो फ्लिप एक कार्ड में। ओ नो, लेकिन मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ, इसने ऊनो फ्लिप के बाद बोला, मतलब मुझे और कार्ड नहीं मिलेंगे, अब मैं आसानी से जीत जाऊंगा। अब प्लेयर 2 ने पहले नहीं बोला कॉट, अब मतलब कॉट, अब मैंने पहले ऊनो फ्लिप बोल दिया, अब उस प्लेयर 2 की चांस। ओ नो, उसने प्लस 5 फेंक दिया, मुझे 5 पत्ते मिलेंगे, ऐसे तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। अब देखिए दोनों प्लेयर्स के 2-2 कार्ड्स हैं, तो अब प्लेयर 2 की चांस है ऊनो फ्लिप। ओ वाव, इनने तो मुझे प्लस 5 भी दे दिया, ऊनो फ्लिप भी बोल दिया। 1, 2, 3, 4, 5, मेरे पास तो बहुत सारे कार्ड्स हो गए। अब प्लेयर मेरी चांस, अब प्लेयर 2 की चांस, अब इन्हें री कर दिया, अब तो इनके कार्ड्स खत्म हो गए, ये विनर हो गए, प्लेयर 2 विनर हो गया। इसी तरह से ये गेम खत्म हो गया। तो आज मैंने आपको इसके रूल्स और खेलना अच्छे से सिखा दिया है, अब आप भी इसको अपने घर में खेलिएगा, ये बहुत इजी गेम है ऊनो फ्लिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय।